हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैन पे और आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं शेर बटे संपी में। और हाँ, सपने सही गेस किया, मैं अभी शेर बटे संपी में नहीं हूँ, मैं हूँ अभी हर्मिट क्रैब सीजन 7 के मैप में। और यहाँ पर एक जंगल, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे इंट्रो कर ले। और यहाँ पर मैं हूँ इस काल के मेगा ट्री के बाजू में, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो गाइस थैंक यू इस काल फॉर दिस ट्री। और गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे एस एम पी की तरफ, यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। तो गाइस जब मैंने लॉगिन किया था तब गाइस जो नो नामी नाम का हमारा बंदा था, याद होगा गाइस आपको लास्ट एपिसोड में मैंने उसका घर दिखाया था, वो गाइस हम सबको यहाँ पे टॉर्चर कर रहा था, मतलब गाइस हमें सबको बुली कर रहा था वो गाइस। और गाइस हम वो ज़्यादा प्रो है, इसलिए गाइस वो हमें मार रहा था। फिर गाइस मैं चला गया मेरा वो स्टफ लेने को, जो कि उसने ले लिया था, लेकिन गाइस उसने वो बाद में मुझे दे दिया था। लेकिन गाइस उसने मेरे को एरोज नहीं दी, और जब मैंने उससे एरोज मांगी तब तक तो गाइस उसने मेरे को फिर से गाइस वो अटैक करने लग गया मेरे से, उसके बॉस से। और गाइस मेरी बहुत हेल्थ जा रही थी, और फिर गाइस वो फिर से गाइस मेरे से पीवीपी करने आ गया। और गाइस मैं एक बिल्डर हूँ, फाइटर नहीं हूँ, मैं फिर से उससे हार गया। और फिर गाइस मैंने उसको भाई बोला कि गाइस मैं चलो अभी हार मानता हूँ, मेरे को नहीं लड़ना। फिर भी गाइस उसने गाइस मेरे को सुना नहीं, और वो हम सबको गाइस बुली करने लग गया। फिर गाइस उसने इजी के लिए यानी क्रिश को भी गाइस उसने बहुत गंदी तरह से मारा। और फिर गाइस मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया, और मैंने सोचा आज तो गाइस मैं इससे हमारा सबका बदला लूँगा। और फिर तो गाइस वो बहुत शाइनिंग मार रहा था कि गाइस उसने वन शॉट में डायमंड आर्मर वाले बंदे को मार डाला। और गाइस हम सब को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और तभी वहाँ पे फ्लैस्टर आ गया था। और फिर गाइस उसने फ्लैस्टर को भी मारना चालू कर दिया। और फिर गाइस मैं फ्लैस्टर की हेल्प करने के लिए आ गया, लेकिन जैसे गाइस मैं बीच में कूदा, उसने तब धपके से मेरे को ज़ोर से मारा, और मैं ख़तरनाक तरीके से गाइस सीधा पानी के अंदर गया, और जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। लेकिन फिर गाइस उसने फ्लैस्टर को भी मार डाला। और फिर गाइस फ्लैस्टर में इजी किल, हम सब लोग गाइस पूरी तरह से हम लोग चिढ़ चुके थे। मौसम ने तो तभी गाइस वहाँ पे लॉग आउट कर दिया था। और फिर गाइस मैंने सोचा गाइस इस तरह से कुछ तो बदला लेने होगा, इसलिए गाइस फ्लैस्टर और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इससे एक रेवेंज लेंगे। और फिर गाइस बात तो तब ख़राब हो गई जब उसने गाइस वो मेरे से मशरूम आइलैंड यानी मेरे प्राइवेट आइलैंड पे आया, और उसने मेरे काउ को मार दिया। यस गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुक्ड मीट है, और उसके स्वॉर्ड पे फायर एक्सपेक्ट है, इसलिए लगे हमें समझ जाता है कि गाइस उसी ने मेरे उस एक मशरूम काउ को मारा है। और गाइस फिर मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया, क्योंकि गाइस जब पूरा प्रूफ है कि मेरे से पहले वो इस आइलैंड पे आया था, इसलिए वही मार सकते हैं गाइस। इसलिए गाइस भाई मेरा तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया कि गाइस उसने मेरी काउ को मारा। और मैंने तो सोचा अब तो गाइस इससे थोड़ा सा बदला, थोड़ा नहीं गाइस पूरा बदला लेने का था। और फिर गाइस मैंने ऑपरेटर के जो मेरी पावर है उससे गाइस मैंने उसको बना दिया विजिटर, क्योंकि गाइस ये कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग मार रहा था, और हमारे सारे स्टफ इसने चुरा के बहुत सारे हमारे डायमंड्स चुरा के गाइस इसने बनाया था सारे उसके आर्मर और एन्चेंटिंग टेबल सब कुछ ही। और फिर गाइस मैंने उसके साथ बहुत सारे फाइट की, और फिर गाइस वो मेरे को क्रिएटिव नो बुलाते जा रहा था। और फिर गाइस मेरे को सिर्फ उसको इस आइलैंड से बाहर निकालने का था, इसलिए गाइस मैंने क्रिएटिव गाइस मैंने उसको विजिटर बना दिया। लेकिन गाइस वो मान नहीं रहा था कि गाइस मैं क्रिएटिव मैंने, इसलिए गाइस मैंने क्रिश को बोला कि भाई तू मेरे को मार दे। और फिर गाइस वो क्रिश बोला कि हाँ भाई कि ये तो भाव तो अभी गाइस क्रिएटिव मैंने, और फिर गाइस प्रूफ हो गया। और फिर गाइस मज़ा आ गया, मैंने उससे बहुत सारा बदला लिया। फिर गाइस वो फालतू की बात को छोड़ो, और अभी हमारे यहाँ पे आ गया था थॉमस, जो कि गाइस एसएमपी में बहुत दिनों बाद आया था, और गाइस जो स्टार्टर हाउस है वो उसी ने बनाया है। और फिर गाइस मैंने सोचा क्यों ना हम थॉमस को वेलकम गिफ्ट के तौर पर थोड़े से डायमंड दे दिए, इसलिए गाइस मैंने उसको 10 डायमंड दे दिए, ताकि गाइस वो भी उसका स्टार्ट कर सके सर्वाइवल में, और बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि गाइस वो नोना में कभी भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं नूप समझ के। और इसलिए गाइस हमने मैंने थॉमस को थोड़े से डायमंड्स दे दिए इस एपिसोड में। और फिर हमने नोटिस किया कि उस वॉर में गाइस मेरे सारे बूट्स टूट गए थे, इसलिए गाइस यहाँ पर मैं नए बूट लाया, और उस पर
चला गया इंचेंटिंग करने को, और फिर मैंने उस पर फेदर पॉडिंग लगा दिया। लेकिन गाइस उसमें मेरे को कम पड़ रहे थे लेवल्स, इसलिए मैंने थॉमस को बोला कि भाई तेरे पास है क्या लेवल्स। लेकिन फिर मेरे को याद आया मेरे पास बहुत सारे केल्प, इसलिए गाइस एक केल्प फार्म बहुत सिंपल है। जैसे हम एक टाइम पे एक केल्प लेंगे उसी से गाइस हमारे एक्सपी बहुत जैसे बढ़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरे पास 26 है और यहाँ पर मेरे पास 27 हो गए। और अगर मैं यहाँ से फिर से एक लूँगा एक वॉट रिलेटेड भी गाइज, और जैसे गाइज यहाँ से मैं एक और लूँगा देख सकते हो जैसे 26 है गाइज, सीधा मेरे 28 हो गए और इजीली। और फिर गाइज मैंने फिर से इसे एन्चेंटिंग में लगा दिया, लेकिन गाइज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि 22 लेवल्स वाला कैसे है हो चुका है इसका एन्चेंटमेंट टेबल। इसलिए गाइज मैंने फिर सोचा क्यों ना हम, और लैपिस भी ख़त्म हो गई थी गाइज ऑसम की, इसलिए मैं मेरे घर से जाके लैपिस लेके आ गया और उन्हें फॉर्चून के पिक से थोड़ा और उससे 25 हो गए। फिर गाइज हमने एन्चेंटिंग की बहुत सारी, और फिर मैंने मेरे पैंट्स को भी एन्चेंट कर लिया, नहीं तो बिना एन्चेंटमेंट के मैं उन्हें घुमा रहा था। और फिर गाइज मैंने मेरे पूरे आर्मर को रिपेयर कर लिया, क्योंकि गाइज उस फाइट में मेरे सारे आर्मर के HP जो है वो पूरी डाउन हो गई थी, और मेरे को अनब्रेकिंग भी अभी तक मैंने नहीं लगाई नहीं है। और फिर गाइस मैंने थॉमस को थोड़ा सा फूड दे रहा था, लेकिन गाइस पता नहीं उसने वो फूड लिया क्यों नहीं, शायद वो नॉनवेज होगा इसलिए गाइस उसे ब्रेड नहीं चाहिए लॉल। और फिर गाइस एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि थी गाइस, मेरे को एक सीक्रेट बेस मिल गया, पता नहीं गाइस किसका है लेकिन सीक्रेट बेस मिल गया। कोऑर्डिनेट्स तो शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ऑसम और मेगा ने बोला कि कोऑर्डिनेट्स मत बता इस सीक्रेट बेस की। और गाइस ये तो मेरे को एक टाइप का ट्रेडिंग हॉल लग रहा था जो कि गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे। और फिर यहाँ पे मेगा पता नहीं गाइस कहाँ से जा रहा है, और लेकिन शायद ये पता नहीं गाइस ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे सीक्रेटली इन्होंने क्यों बनाई, ये बटन भी बिना काम किए यहाँ पे लगाए, और ये बहुत गाइज एकदम खतरनाक बनाया था गाइज एकदम सीक्रेट तरीके से गाइज ऑसम बहुत बढ़िया बिल्डर है। और फिर गाइज मैं उस मेगा को बुला रहा था कि भाई यहाँ पर एक क्या बना दिया है गाइज, यहाँ पर इतना ज़्यादा सीक्रेट और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। फिर गाइज मेगा मेरे को बताने लग गया कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग हॉल बनाए हैं ताकि हम लोग सीक्रेटली हमारे उनके विलेजर्स को रख पाए। अभी जब विलेजर नहीं आए और उन्होंने ट्रेडिंग हॉल बना दिया जो कि गाइज बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और फिर उसने बोला कि भाई सीक्रेट लाइब्रेरी जहाँ पे हम विलेजर्स लाएंगे, और फिर मैं बोला सीक्रेट लाइब्रेरी विदाउट बुक्स लॉल, गाइस लॉल मोमेंट था वो। और फिर गाइस यहाँ पर आ चुका था ऑसम, और पता नहीं ऑसम एएफके ही या फिर वो चैट में कुछ मैसेज टाइप करे, और गाइस देखो ऑसम ने नई स्किन लाई है, उसके बाल देखो गाइस शेविंग की कटिंग पे गया था वो एकदम बढ़िया लग रहा है। और उसने यहाँ पर मेरे को बोला था कि गाइस किसको बता मत सीक्रेट बेस के बारे में, और थोड़े से केल्प थे जो मैंने उसको दे दिया था कि गाइस वो उसकी XP बढ़ा ले, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया उनको और वो वहाँ से चला गया। और फिर गाइस ऑसम मेरे को उसका बेस घुमा रहा था जो कि उसने नया बनाया है नई नई चीज़ें, और यहाँ पर मैं आया था और गाइस इसने बहुत सारी इसकी बुक्स जो है वो चोरी हो गई थी एवरी गाइस। और फिर उसने बोला फॉलो मी, और फिर गाइस मेरे यहाँ पूरा दिख के शौक हो गया था गाइस, क्योंकि एन्चेंटमेंट रूम के पीछे एक बेडरूम है या फिर रूम है जो कि आज तक गाइस मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब गाइस मैं लिटरली 10-20 बार आ चुका उस एन्चेंटमेंट रूम में, लेकिन आज तक मैंने इस बेडरूम के ऊपर कभी नोटिस ही नहीं किया जो कि गाइस मेरे को बहुत ऐसा वियर्ड लग रहा था गाइस। और यहाँ पर एक एंडर चेस भी थी जिसके अंदर मैं डायमंड से और मैंने बहुत सारे डायमंड उड़ा दिए थे गाइस। और फिर गाइस उसने मेरे को उसका ये दिखाया टेबल, और फिर गाइस मैंने बोला कि गाइस तेरे लेवल 39 था इसलिए गाइस मैंने बाद में उसे फिक्स कर दिया। और गाइस यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जगह है अगर हम लोग सीक्रेट रूम या बटन यहाँ पर लगा सकते जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर गाइस हमने बहुत मजे की, और ऑसम बोल रहा था कि उसने बहुत कुछ चेंजेस किए उसके घर में और वो मेरे को आज दिखाने चाहते, इसलिए वो उसने एन्चेंटिंग कर रहा था वो, और फिर बोला एन्चेंटिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे। और फिर उस तरह से गाइस उसने मेरे को दिए आई ओपेंडर, और जो देखे गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि गाइस अभी हम लोग एंड में जाने वाले हैं अगले या नेक्स्ट एपिसोड में। और जब तक गाइस ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो शायद हमने एंडर ड्रैगन को हरा भी दिया होगा गाइस। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस उसने मेरे को 10 आई ओपेंडर दे दी जिससे कि गाइस हम लोग ईजीली जा सकते एंड में। और फिर गाइस वो ऑसम ने मेरे को कहा कि मैंने कि गाइस उसने ब्लेज रॉड और बहुत कुछ लाया, और गाइस यहाँ पर मेरे को थोड़े से आए
आई मीन एंड्रपल दिख गई थी, इसलिए मैंने मेरे पास रख दिए ताकि गाइस हाँ जो हम बाद में एंड्र ड्रैगन को मार के जाते हैं ना गाइस वो एंड शिप में, तब हम इसे यूज़ कर पाए, इसलिए मैंने इमरजेंसी के लिए 2-3 मेरे पास रख दिए। और फिर गाइस यहाँ पर मैं गड्ढे में गिर गया, पता नहीं गाइस ये लोग गड्ढे भरते क्यों नहीं है। और फिर गाइस वहाँ पर एक टाइम बॉक्स का जो नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस बार गाइस मेरा गेम लैग नहीं हुआ पता नहीं क्यों। और फिर गाइस ऑसम बोला कि उसे एक और चीज़ है जो कि दिखाने की है, इसलिए मैं चला गया उसे फॉलो करने। और गाइस मेरे को पता नहीं चल रहा था कि उसने कहाँ पे मुझे लेके जा रहा है, क्योंकि गाइस इस रास्ते पे तो कोई जाता नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि वहाँ पर ही मेरा मशरूम आइलैंड है। और फिर गाइस मैं उसे फॉलो करने लग गया, और फिर गाइस मेरे को लग रहा था कि उसने मशरूम आइलैंड पे एक उसका सीक्रेट बेस है कुछ तो ऐसा बनाया होगा। लेकिन गाइस जैसे मैं पहुँचा उसके पीछे भागते भागते गाइस मैं पूरी लिटरली शॉक हो गया, क्योंकि गाइस उसने जो हमारा फालतू डर्ट का ब्रिज था उसको इतना ज़्यादा तगड़ा बना दिया था कि जिसको देख के तो गाइस मैं पूरा खुश हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, और ये बहुत ज़्यादा गाइस एकदम खतरनाक लेवल का इसने बनाया था। और गाइस ऑसम लिटरली बहुत बढ़िया बिल्डर बन चुका है अभी, और ये बिल्डिंग में प्रो है, पीवीपी में प्रो है, रेडस्टोन का पता नहीं, लेकिन ऑसम हमारे एसएमपी का वन ऑफ द प्रोस्ट प्लेयर्स में से एक है, या फिर आप इसका सबसे प्रो प्लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस। और फिर उसने तो सिर्फ आधा ही किया था चेंज, और बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और उसने बोला ये भाई कैसा लगा तेरे को, तो मैंने बोला भाई एकदम खतरनाक, हाँ एकदम बढ़िया बनाए। और फिर पता नहीं मेरे इन्वेंटरी में ये ब्लॉक कैसे आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे डर्ट को रिप्लेस करके ब्लॉक लगा दिया, न जाने का ये मेरे इन्वेंटरी में कैसे आ चुका था। और फिर गाइस ऑसम बोला कि उसको एक और चीज़ दिखाने की, हाँ गाइस उसने न जाने गाइस कितनी चीज़ें की है एसएमपी में जब हम लोग ऑफलाइन रहते। तो गाइस वो बोला कि ये वाली चीज़ नेदर में, और आपको तो पता है नेदर से मैं कितना ज़्यादा डरता हूँ। और गाइस नेदर का हमारा जो स्पॉन है जो कि हाँ बैशन में था, और पिछले बार लास्ट एपिसोड में मैंने कह दिया कि ये ऑसम ने इसे ब्लॉक किया था, लेकिन वो मेगा ने किया था, उसने मेरे को वीडियो में कमेंट किया था, इसलिए सॉरी मेगा मैंने तेरा नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर ले रहा हूँ शाउट आउट टू यू ब्रो, और बहुत बढ़िया काम किए। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ये ब्रिज से गए वहाँ पर एक घास थी जिसको देख के गाइस हम सब लोग डर गए, और उसे अचानक से फायर बॉल थ्रो कर दिया। और फिर गाइस मैं उसे उसके ऊपर तीर कमान मारने वाला, और तभी गाइस ऊपर से तीर आ गया जो देख के गाइस मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरे को लगा गाइस बहुत सारे पिघलने के ऊपर। फिर देखता था कि यहाँ पर एक फालतू सा स्केलेटन ने जो कि मेरे ऊपर निशाना लगा रहा था। और फिर गाइस मैं फालतू बोलती उसने गाइस मेरे ऊपर एक्यूरेट निशाना लगा दिया। और फिर गाइस ऑसम बोला कि उस चीज़ को छोड़ हम लोग चल मेरे को फॉलो कर। और फिर गाइस हम लोग चले गए, मैं चला गया ऑसम को फॉलो करने। और यहाँ पर एक रोड बनाया है ऑसम ने ताकि गाइस अगर हमें फोर्ट्रेस में जाने का है तो हम लोग इस साइड पर जाएंगे, और अगर गाइस हमें व्रैप्ड फॉरेस्ट और उसकी फोर्ट्रेस में जाने व्रैप्ड फॉरेस्ट में जाने तो इस साइड में जाए, और अगर मैग्मा बायो में जाना है तो इस साइड में जाए। और जैसे मैं बाहर गया गाइस यहाँ पर सोल सैन वैली को देखिए गाइस डर गए, क्योंकि गाइस ये सबसे डेंजरस वैली। और गाइस और यहाँ पर गाइस फिर ऑसम ने बोला कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नेदर हब बनाया है, और अभी भाऊ तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी गाइस नेदर इज सो स्केरी। और फिर मैंने उस फालतू के स्केलेटन से मेरा बदला ले लिया। और गाइस ये बैशन के इस साइड पे बहुत पता नहीं क्या बनाया है यहाँ पर लावा फार्म और समथिंग। और फिर गाइस लास्ट का सीन जो कि गाइस ऑसम पता नहीं ये कौन सा पार्कोर या ट्रैपडोर का है जो पार्कोर रहते हैं वो कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं पता नहीं उससे साथ मस्ती क्यों करते जा रहा हूँ यहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑसम कितने ज़्यादा प्रो तरीके से ऊपर जा रहे हैं। और फिर गाइस मैं भी ऑसम को दिखाने चाहता था, क्योंकि गाइस मैं भी पार्कोर में बहुत ज़्यादा इतना तो नोब नहीं हूँ, और इसलिए गाइस मैंने गलती से ऑसम को हिट भी कर दिया, लेकिन बारिश के कारण कुछ नहीं हुआ। ओके तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो अभी यहाँ पर मैं चढ़ चुका हूँ, और अभी एक सेकेंड गाइस मेरे को आई एम नॉट रेडी गाइस, जस्ट वेट ए सेकेंड एंड वो यप। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पार्कोर प्रो भाऊ पार्कोर नोब लिख दो गाइस। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर मैं समझ गया कि अभी कैसे करने, तो गाइस अभी हम लोग फिर से ट्राई करने वाले। ओके तो गाइस सबसे पहले इसको करो, फिर एक एंगल में आ जाओ इस वाले में, एंड 1 2 3 4 5 6 इजी फॉर मी, आई एम पार्कोर प्रो। ओके तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रो है, और एमएलजी
एमएलजी नो भाऊ गाइस एमएलजी तो अच्छी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा भंगार थी। और फिर जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो अभी हमने पूरा वीडियो बहुत टाइम हो चुका है और वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइस, तो चलिए करते हैं आउट्रो और मैं आउट्रो करूँगा आज ऑसम के बेडरूम में। ओके तो फिर सेटिंग्स और थर्ड पर्सन एंड ओके सपोज ओके। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा एंड डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ओके फॉलो कर लो और यहाँ पे ऑसम की चैनल इजीकेल हर एक के चैनल के लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनके भी वीडियोज देखिए, वो भी वीडियोज बनाते हैं बहुत मेरे से तो अच्छे बनाते। विद दैट सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।